हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है यामा R15 V4 या फिर यामा R15 M के कुछ 5 डिसएडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है, तो वीडियो को आप कम्प्लीट देखते रहेगा। तो गाइस, बेसिक मैं आपको चीज़ बताऊँगा जो आपको बाद में पता लगेगी, तो हो सकता है आप सोचें कि बाइक नहीं लेनी चाहिए थी। तो मैं आपको 5 डिसएडवांटेज आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप जरूर कंप्लीट देखते रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, मैं आपको बता दूं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है राइडिंग प्रॉब्लम। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है बताते हैं कि पहले से ठीक है, लेकिन मैंने बाइक को पर्सनली ड्राइव किया है, राइड किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैं इस बाइक को लेके आया था, तो उस टाइम मैंने उसको ड्राइव किया था और मैं केवल 50 से 60 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को जो पेन है वो फील होना स्टार्ट हो चुका था। मेरी कलाइयों में पेन हो रहा है और मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, ये मैंने पता मतलब मेरे को फील होने लगा कि हाँ, मेरे जो कलाइयाँ और जो मेरे शोल्डर हैं वो पेन कर रहे हैं। क्योंकि गाइज़, मेरी हाइट जो है वो 5'9" है। अब आप सोच सकते हैं, आपकी हाइट 5'9" है तो आपको काफ़ी ज़्यादा झुकना पड़ता है इसकी राइडिंग पोजीशन। जैसे कि आप देखोगे तो एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो इसी वजह से आपकी जो कलाइयाँ हैं इन पर प्रेशर ज़्यादा आता है और आपके जो शोल्डर्स रहते हैं यहाँ पे भी आपके प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जैसे गाइज़ आप बाइक के ब्रेक लगाते हैं ना, तो सारा प्रेशर आपकी कलाइयों पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और आप लिटरली फील कर पाओगे इस चीज़ को आफ्टर 50 किलोमीटर के बाद। जैसे कि आप 50 किलोमीटर के बाद आप बाइक राइड करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगी मेरे को। साथ ही साथ इसकी जो दूसरी प्रॉब्लम है गाइज, वो भी राइडिंग के रिलेटेड ही है और वो है पिलियन के लिए। जो पिलियन राइडर रहता है उसको उतना ही एक्टिव रहना पड़ता है जितना कि एक राइडर एक्टिव रहता है। मतलब कि आप अगर बाइक चला रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो उससे कहीं ज़्यादा जो पिलियन रहता है जो आपके पीछे बैठा हुआ होता है उसको एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे कि आप ब्रेक लगाओगे तो एकदम से ब्रेक लगाने के बाद वो आपके ऊपर आ जाता है और आपके शोल्डर पर उसका हाथ आता है, तो आपके और ज़्यादा पेन होता है। सिंगल राइड करोगे तब तो पेन होगा ही होगा, और गाइज आप अगर पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो भी आपको इस बाइक के अंदर पेन फील हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी गाइज बाइक काफ़ी ठीक ठाक है, और इसकी एक प्रॉब्लम मेरे को और लगी जो कि इसके इंडिकेटर बिल्कुल बकवास इंडिकेटर देती है कंपनी बिल्कुल इसके साथ। ये ऐसा हो जाता है कि मान लो नई दूल्हे की शेरवानी ख़राब कर रहा है, मतलब कुछ भी समझ सकते हो आप, नई दूल्हे की शेरवानी में छेद ऐसा बोल सकते हैं आप। तो गाइज इसका जो है इंडिकेटर बिल्कुल बकवास है, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो यामा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको इम्प्रूव करें नेक्स्ट मॉडल के अंदर। तो इसका इंडिकेटर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तीसरा मेरे को इसके अंदर प्रॉब्लम लगा कि यामा कनेक्ट नाम के नाम पे जो आपको फीचर दिया गया है वो बिल्कुल बकवास फीचर है। यहाँ पे आपको ऐसे कोई खास फीचर देखने को नहीं मिलते, जैसे कि आप कॉल भी अटेंड नहीं कर सकते। आपको लिटरली मैसेज आता है तो आपको मैसेज शो होना चाहिए कि किसका मैसेज आया है, किस नंबर से आया है, तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आप जब इस बाइक को ले तो आपको ध्यान में रखना है कि आप इन सारी चीज़ों को, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस बाइक को ले सकते हैं, बाकी अगर आप इन सारी चीज़ों को कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस बाइक को ना ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और गाइज मैं आपके अंदर इसके अंदर जो चौथी चीज़ मेरे को जो पसंद नहीं आई गाइज, वो है इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल मोड रहता है वो, उसका कोई मतलब नहीं बनता इस गाड़ी के अंदर। ऐसे कोई खास पावर नहीं रहती इसके अंदर, फिर भी इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया है तो वो कोई खास फीचर नहीं है। ठीक है, उसको अगर ना भी देते कुछ और दे देते, अगर इसके इंडिकेटर इंप्रूव कर देते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता, बट वो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर है बिल्कुल बकवास फीचर दिया गया है। बाकी गाइज बाइक में मेरे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी, मेजर प्रॉब्लम लगी गाइज, वो वही इसका जो प्रॉब्लम है राइडिंग वाला। गाइज बहुत ज़्यादा पेन करती है यार, अगर आपकी हाइट 5'9" के आसपास है तो आप इस बाइक को बिल्कुल ना लें। और गाइज इसका जो लास्ट मेरे को जो प्रॉब्लम लगा गाइज, आप सबको पता होगा कि ये बाइक ट्रैक के लिए बनाई गई है, बट फिर भी गाइज ये काफ़ी मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग आपको करनी पड़ती है, तो ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है गाइज ये, इसकी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कि हल्का वल्का भी ऑफ रोडिंग आप इसके साथ नहीं कर सकते, करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। एकदम से इसका हैंडल अपने आप मुड़ जाता है क्योंकि इसका जो हैंडलिंग है काफ़ी रिफाइंड है, तो इस वजह से गाइज जरा सी देर में इसका हैंडलिंग रॉन्ग हो जाता है, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाता है। तो गाइज ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ 5 डिसएडवांटेज मेरे को लगे थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो गाइज आई होप कि आप इन 5 डिसएडवांटेज से एग्री करते हो। बाकी गाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एग्रेसिव भी है, माइलेज भी काफ़ी ठीक है, पावर भी ठीक ठाक है 150 cc के अंदर। बाकी गाइज प्राइस के हिसाब से बाइक प्रीमियम है, अच्छी है। तो आई होप कि गाइज आप समझ गए होंगे कि मेरा वीडियो में आपको बताने का क्या मकसद था। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।